हेलो फ्रेंड्स, एसके रसोई के नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आम पन्ना। बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, और ये हमें लू से भी बचाती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये हमने 4 आम ले लिया है फ्रेंड्स, और इसे हमने पहले से ही धो के रखा है। अब हम ले लेंगे चाकू, और थोड़ा सा डंठल लगा हुआ है ना ऊपर में, उसे हम कट कर लेंगे। चारों आम को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमने 4 आम के डंठल को हमने कट कर लिया है। अब हम ले लेंगे बड़ा सा बर्तन, और इसमें हम डाल देंगे सभी आम को। आम डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे ताकि आम है ना अच्छी तरह से डूब जाए। तो ये हमने पानी को डाल दिया फ्रेंड्स। अब हम गैस ऑन करके इसे हम चढ़ा देंगे और इसे हम उबाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आम अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। आम को हमें पानी में बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, तुरंत हम इसे निकाल लेना है पानी से। तो ये हमने सभी आम को पानी से निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका छिलका छिल लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, आम ठंडा हो चुका है, तो इसका हम छिल लेंगे। सभी आम को हम इसी तरह से छिलेंगे। तो ये हमने सभी आम को छिल लिया फ्रेंड्स। अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार। और ये काम लेंगे हाथ में, और चम्मच की सहायता से सभी आम को हम निकाल लेंगे। तो ये हमने सभी आम को बीज से अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। आप तीखा नहीं बनाना चाहते फ्रेंड्स, तो आप मिर्ची नहीं डालेंगे। अगर तीखा बनाना चाहते हैं तो आप मिर्ची डाल सकते हैं। 100 ग्राम हमने चीनी लिया है। आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम बिल्कुल ही महीन ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल ही हमने इसे महीन ग्राइंड किया है। अब हम ले लेंगे एक प्लेट। तो ये प्लेट हमने ले लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने चीनी और लाल मिर्च को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद हमने ले लिया है मटका, और प्लेट में हमने थोड़ा पानी लिया है। मटका को पानी में हमने डुबो दिया है। उसके बाद हम इसे चीनी में अच्छी तरह से घुमाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है ये मटका, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। तो ये हमने चारों मटका में चीनी और लाल मिर्च है ना, उसे हमने लगा लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बर्फ़ के कुछ टुकड़े। तो ये हमने बर्फ़ के टुकड़े को डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच आम के पल्प, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो ये हमने सभी मटके में 2-2 चम्मच आम के पल्प को डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
तो हमने इसमें ठंडा पानी का यूज़ किया फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसमें नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सभी मटके में पानी डाल दिया है। एक चौथाई चम्मच हम डाल देंगे काला नमक। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा आमपन्ना बनकर रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये हमें लू से भी बचाती है और बॉडी को एनर्जी भी प्रदान करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के रेसिपी के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।